देश में कोरोना जैसी संक्रामक बीमारी के कारण लॉकडाउन का पार्ट टू चल रहा है। लोग अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन मैनपुरी भी लॉकडाउन को बरकरार रखने के लिए समाज सेवियों के माध्यम से गरीब मजदूर एवं असहाय लोगों को खाद्यान्न वितरण करते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के तहसील क्षेत्र के ग्राम तलोरिया में उप जिलाधिकारी रतन कुमार वर्मा, जिला परिवहन अधिकारी राजेश करदम ने समाज सेवी ठेकेदार राजेश कुमार यादव के आह्वान पर गांव में मौके पर पहुंचकर 50 गरीब और असहाय लोगों को चौथी बार खाद्यान्न वितरण किया है। वहीं उप जिलाधिकारी करहल रतन वर्मा एवं जिला परिवहन अधिकारी राजेश करदम भी लोगों के साथ समाज सेवी राजेश कुमार यादव की प्रशंसा करने से नहीं चूके। मौके पर पहुंची मीडिया कर्मियों के अलावा पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों को ग्रामीणों ने फूल बरसाते हुए भव्य स्वागत किया। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। आपका आप जो है समाज सेवी के रूम में देखे जा रहे हैं, लगातार मदद करते आ रहे हैं, चौथी बार आप मदद कर रहे हैं, और क्या संदेश देना चाहेंगे जनता? हमारा संदेश यही है कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में जी यहाँ कुछ गरीबों की संख्या अधिक है जी, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, और इस पिछड़े क्षेत्र में हमारे यहाँ के लोग दिल्ली, अहमदाबाद में, गुजरात में बहुत मात्रा में मजदूरी का काम करते हैं जी। कुछ लोग हम ठेकेदारी का काम करते हैं, हमारे यहाँ भी काम करते हैं। तो पहले तो हमने इन लोगों को श्रम विभाग द्वारा काफ़ी लोगों का रजिस्ट्रेशन करा दिया था, जिसमें जिसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रम योजना के तहत 1,000 रुपये लगभग 200-150 लोगों के खाते में 1,000 रुपये पहुँच गया है जी। उसके बाद हमने और भी रजिस्ट्रेशन कराना चालू कर दिया है। कुछ लोगों के जिनके राशन कार्ड नहीं है, हम स्वयं उनके राशन कार्ड बनवा रहे हैं। उनका चार बार में मैंने पहली बार में 160 को दिया, दूसरी बार में 150 को दिया, और आज भी 50-60 लोगों को आज भी दिया। कुछ फुटकर में 10-50 लोगों को फुटकर में भी देते रहे, और जो जहाँ मिल जाता मेरी गाड़ी में राशन रहता है, जो जहाँ मिल जाता है मैं उनको वहीं दे देता हूँ। सर, ये ग्राम सभा जो है ना तलोलिया है, यहाँ पर जो है ना आपके द्वारा और माननीय परिवहन निगम के अधिकारी के द्वारा जो है ना यहाँ पे एक गरीबों को राहत प्रदान की है एक समाज सेवी द्वारा, सर क्या पूरा मामला है? ये हमारे गांव है तलोलिया, और यहाँ के समाज सेवी हैं राजेश यादव जी और ARTO साहब के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और यहाँ सभी गाँव में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जो लोग अच्छे लोग हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो इस तरह के फूड पैकेट्स बना करके और ज़रूरतमंद और गरीब व्यक्तियों को दे रहे हैं यहाँ पर। सर कितने कितने लोगों को जो ना इन्होंने जो ना आज यहाँ लाभ दिया है? 50 व्यक्तियों को इन्होंने ये पैकेट फूड पैकेट्स दिए हैं, बाकी अभी और बांटेंगे। ये इससे पहले भी कई गांवों में ये लोग राजेश जी बांट चुके हैं, और भी गांवों में यहां पर हर गांव-गांव में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। सर, मैसेज क्या देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, मैसेज क्या देना चाहते हैं इस संकट की घड़ी में? मेरा इस संकट की घड़ी में यही मैसेज है कि जो लोग मजबूत हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, और जो लोग अच्छे लोग हैं, वो ज़रूरतमंदों की इस संकट की घड़ी में और सहायता करें, और यहाँ लोग सहायता कर रहे हैं। सर, लॉकडाउन में क्या मतलब लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि किस तरह से जो ना घरों में लोग अपने अपने घरों में रहें, और अगर इनको बाहर भी जाना है किसी ज़रूरी काम से, जैसे खेत में काम करना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये खेतों में काम कर सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें, ये मुझे कहना है। सर, मंदों को खाद्य सामग्री आपके द्वारा वितरित की गई है, क्या कहेंगे? देखिए, इस समय जो है हमारे लोगों संपूर्ण विश्व भर में मानवता पर एक अजीब सा संकट आन पड़ा है, और उस अजीब से संकट में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा भारतवर्ष, हमारा संपूर्ण मैनपुरी जनपद, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, हम उन लोगों को जो जन सहयोगी हैं, समाज सेवी हैं, जो अग्रणी रहे हैं पूर्व में भी समाज में, उन लोगों के सहयोग से इस गांव में, तरोलिया गांव में हम लोग आए हुए हैं, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी जनपद में भूखा ना रहे। भूखा रहेगा तो कहीं ये ना आरोप लगे कि अनावश्यक कीजिए, देखो जी वो भूख से मर गया, ये महामारी से नहीं मरा जी। तो हमारा ये सतत प्रयास है कि हम ऐसा सतत प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी जनपद, हम इसलिए जनपद से 40-45 किलोमीटर दूर यहाँ पर, और इस तरीके की कहीं से भी हमारे कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है
कि फला गांव में जी 20 लोग हैं या 10 गांव उस गांव में हैं। जैसे हम कई बार किसनी में भी गए, किसनी के दुम्हार में भी गए और भी दूर दूर गांवों में हम लोग जा रहे हैं। हमारे परिवहन विभाग द्वारा रोड सेफ्टी के साथ साथ कोरोना वायरस 19 के संबंध में पूरा एक प्रचार वाहन बनाया है, आपने देखा है कैसे खड़ा भी है। उसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और जो महत्वपूर्ण संदेश हैं उसमें हमने फीड कर रहे हैं और उसको हम लोगों पर ले जाते हैं, 10 मिनट खड़ा करते हैं उसको और लोगों को समझाते हैं कि भाई आप अपने घर में रहिए, घर में रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, हमें बताइए आपकी क्या तकलीफ है, हम आपकी उस तकलीफ को दूर करेंगे। सुबह से शाम तक हम लोग कंट्रोल रूम में सुनते हैं जो भी आवाज़, जो भी मैसेज आता है कि फलां उसके पास खाना नहीं रहा है, फलां उसके पास खाद्यान्न नहीं रहा है, हम उसको वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसका जो उद्देश्य और संदेश जो है मेरी तरफ से, हम ये प्रयास इसलिए भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा जनपद मैनपुरी जी सुरक्षित हो जाए और उससे इस महामारी से हमें, इस संकट से हमें मुक्ति बात की जाए। जैसे कि समाजसेवी आगे बढ़ के आ रहे हैं और सब प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, सर प्रशासन किस तरह की मदद कर रहा है? प्रशासन जिसके भी कोई भी किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी को हम 1000 रुपये दिहाड़ी मजदूर है या और किसी प्रकार का मजदूर है, श्रमिक है, पेंशन है, उनको हम फटाफट रिलीज कर रहे हैं जी। मेरे ख्याल में अभी तक लगभग हम 14-15 हज़ार लोगों को, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया था कि मीटिंग्स में, ये श्रम विभाग में जितने भी रजिस्टर्ड हैं उसमें और मेरे ख्याल में 1200 ही बचे हैं, उन सबको हम 1000 रुपया भी अकाउंट के माध्यम से सीधे उनके खाते में गया, वो भी दिया जा चुका है। अच्छा सर, ये अकाउंट के खाते में जो गया है, लोग बताते हैं कि ये नरेगा के तहत गया है तो इसमें प्रधान भी नहीं, ये जानकारी मुझे नहीं है, ये जानकारी जिलाधिकारी महोदय ही बता पाएंगे। ठीक। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.